हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ये क्लास एट्थ और चैप्टर फर्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें जो नेटवर्क जो टोपोलॉजी है वो क्या है? फिजिकल लेआउट से होती है। क्या होता है? फिजिकल लेआउट से। इसमें कंप्यूटर केबल्स एंड अदर्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। और ये क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। क्या होती है? डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी, जैसे हमारी फर्स्ट बस टोपोलॉजी, सेकंड मास टोपोलॉजी, थर्ड रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ क्या है? स्टार टोपोलॉजी। ये हमारी क्या है? डिफरेंट टोपोलॉजी हैं जो हमारे नेटवर्क से कंप्यूटर क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। अब कैसे करती हैं? यह फर्स्ट बस टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है? इसमें वन वायर होता है, जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या? सिंगल वायर होता है, जिससे क्या होता है, हमारा ये जो कंप्यूटर होते हैं ये कनेक्ट होते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, जो भी वर्क करता है वो कि ये सिंगल के द्वारा जाता हुआ ट्रेवल करता है और लास्ट वाले कंप्यूटर तक उसको क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। देन वो क्या करता है, फिर बैक क्या दिया ना, बोनस बैक एंड रिटर्न डायरेक्शन, मतलब वो बैक होके आता है जिस डायरेक्शन से उसको मिलना स्टार्ट हुआ था। हमारा सेकंड होता है मार्स टोपोलॉजी। ये हमारा क्या है? ये मार्स टोपोलॉजी है। ये क्या होता है? उसमें बहुत से वायर्स कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये नेटवर्क इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये फिर इससे कनेक्ट हो गया आके। तो इसमें क्या होता है, ये मास टेक्नोलॉजी में ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके, थर्ड क्या है? रिंग टेपोलॉजी। तो रिंग में आप देख रहे हैं, ये रिंग बनी हुई है, मतलब जो हमारा वर्क यहाँ से करना स्टार्ट होता है वो क्या करता है, वो नंबर बाई नंबर कंप्यूटर के पास पहुँचता है। फिर क्या होता है, जहाँ से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है वहीं पर आके क्या होता है, फिर वो वहाँ पर आके वहीं आके मतलब आ जाता है। हमारी क्या है, फोर्थ है स्टार टोपोलॉजी। ये हमारी क्या है? स्टार टोपोलॉजी। ये हमारा क्या है? मॉडम है। ये क्या होता है, एक जगह रख के हम चारों दिशाओं में, मतलब अलग अलग वेज पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जैसे लाइक वर्क स्टेशन, प्रिंटर्स, लैपटॉप, सर्वर्स, ये सब क्या होता है, ये हमारे स्टार से कनेक्ट होते हैं। जैसे वर्क स्टेशन हमारा ये क्या है, ये हमारा मॉडम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो ये क्या है, ये स्टार्ट होती है। इसमें मतलब इसमें क्या होता है, इसमें प्रिंट लैपटॉप भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। ये हमारा सर्वर भी क्या कर सकता है, सेंट कंट्रोल कर सकता है, हब या स्विच, यही हमारा हब होता है, मतलब एक मॉडम टाइप का होता है जिसमें हमारा नेटवर्क आता है। ओके, हमारे सेकंड क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। ये सेंडर, हमारा सेंडर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है टेलीफोन से। तो सेंडर क्या करता है, सिर्फ सेंड करता है मैसेज को और क्या होता है, वहाँ से एंड हो जाता है। कम्युनिकेशन चैनल्स में क्या होता है, ये टेलीफोन की तरह कन्वर्ट होता है, सेंडर के पास वॉइस जाती है सिंगल से केबल के द्वारा, और क्या होता है, वो रिसीव करता है और क्या होता है, एंड हो जाता है। ठीक है, थर्ड होता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जो पहले सेंडर होता है वो भेजता है, रिसीव करने वाला उस चीज़ को रिसीव करता है और उसको क्या करता है, रिप्लाई करता है। जैसे हमें क्या था, टेलीफोन में हमारे हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हमारा क्या है, नेट, ये हमारा है नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या होता है, ये केबल होती है जो कॉमनली यूज्ड होती है कैरियर कम्युनिकेशन सिंगल्स विद लैन। ये क्या होता है, लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उससे क्या होती है, एक केबल होती है जो कॉमनली सिंगल को क्या करती है, यूज़ करती है। कॉम्प्लेक्स केबल, इसमें क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, ये टीवी की केबल है। क्या ये एक ट्यूबवेल की केबल है, जिसमें इसका क्या होता है, सेंटर कोर होता है, इसका डाइजेस्ट एलिमेंट्स होता है, सॉरी इंसुलेटर होता है, जो करता है इसको कवर करके रखता है। ये होता है मेटेलिकल सील्ड होती है, जो मेटेलिकल की सील्ड होती है वो करती है, इसको कवर करती है। और ये क्या है? ये है प्लास्टिक जैकेट, मतलब ये कि प्लास्टिक है जो उसको कहते हैं जैकेट कहते हैं, मतलब उसको कवर करके रखता है। ये सब क्या होते हैं, एक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।
जो हमारा ये कोर होता है, जो सेंट्रल कोर होता है, वो क्या होता है, ये हमारे केबल से, टीवी की केबल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जैसा हम कहते हैं उसमें डिश होती है, जो डिश का जो तार आता है वो कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, वही हमारा क्या है, ये टू टाइप्स के होते हैं केबल्स। एक होता है थिन नेट, इसका क्या होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। इसकी वो होती है 1.4 इंच थिक होता है, मतलब जो होती है 1.4 थिक होती है। और थिक नेट होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, ये होती है 1. मतलब 1/2 इंच ये थिक होती है। ये सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसफ़र ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस को करता है, कवर करता है। ये ट्विस्ट पेयर होता है। अब ये ट्विस्ट पेयर में देखो, ये भी क्या है, लोकल के लिए है। इसका जो वायर फॉर्म होता है, ये सर्किट्स फॉर देन ट्रांसमिशन डाटा, ये करता है डाटा को करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए होता है। और ये प्लास्टिक से कवर होता है, जिससे क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, प्लास्टिक जैकेट होती है इसके ऊपर भी। इसमें सपोर्ट स्पीड होती है 100 Mbps, मतलब ये 100 Mbps की क्या होती है, स्पीड निकालता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, ये क्या होता है, LED के लिए होता है। हमारी देखा LED लगी होती है, ये LED भी के लिए। इसमें क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं, एक सिंगल मोड फाइबर, एक मल्टी मोड फाइबर, ये दिया है आपके केबल्स। ओके, ये क्या था आपका चैप्टर था, इसको करना आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।